हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। देखिए, आज जो ट्राइग्नोमेट्री के मोस्ट फोर क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। देख लेते हैं उन क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है तो प्रूव कीजिए कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी होता है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या करें। तो हम जानते हैं क्या कि ट्रायंगल के जो ए बी सी हैं, इन तीनों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो मैं यहाँ इसी बात को लिख लेता हूँ। गिवेन है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्व टू 180। मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि ए और बी को एक साइड रखूँगा, सी को इधर ले लूँगा, तो 180 माइनस सी हो जाएगा। अब टेकिंग, अब करना क्या है यहाँ पर, टेकिंग टेन बोथ साइड, क्या करना है, बोथ ऑफ साइड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको 10 ले लिया है, तो जब मैंने 10 लूँगा यहाँ पर तो आपको मिलेगा क्या, 10 ए प्लस 10 बी इज इक्व टू 10 180 माइनस सी, ये आपको वैल्यू मिली। तो यहाँ पर 10 ए 10 बी की आइडेंटिटी आप लगाएंगे, तो यहाँ पर 10 ए 10 बी की जब आइडेंटिटी लगाएंगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर आपको जो मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो 10 ये 10 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस 10 थीटा, यानी कि 10 सी आने वाला है यहाँ पे, ये 10 है भाई। तो ये हो गया। अब क्या करने वाला है, इस 10 के साथ इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 10 ए प्लस 10 बी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बी है 10 बी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस 10 सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 ए 10 बी, 10 बी और 10 सी, ये आपके आ जाएंगे। तो अब 10 सी को आप इधर ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, 10 ए प्लस 10 बी, 10 बी प्लस 10 सी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव होने जा रहा है। देखें 10 ए 10 बी और ये 10 सी। तो देखें, यही आपको प्रूव करना था, आपका क्वेश्चन भी यही था, तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का है सेम। तो आपको देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वहां तक तो आपको सिमिलर यहां पर देख लेना है, उतना ही करना है जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन किया था। तो क्या करना है, पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट को मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखें, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी यहां पर हो गया था, और यहां पर था 10 ए 10 बी 10 सी, ये आप लिख सकते हैं बाई प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पर रिजल्ट प्रीवियस क्वेश्चन का। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, देखिए डिवाइड बाई, मैं यहाँ पर डिवाइड देने वाला हूँ, डिवाइड बाई 10 ए 10 बी और 10 सी। मैंने क्या कर रहा हूँ, 10 ए 10 बी 10 सी से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ ऑफ साइड्स, क्या बोथ ऑफ साइड्स। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड्स में डिवाइड दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने डिवाइड दिया, तो देखें जब मैं यहाँ पर डिवाइड दूंगा 10 ए 10 बी 10 सी से डिवाइड दूंगा, तो देखो ए वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 10 बी 10 सी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिला 10 ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और सी मिलेगा, 10 बी और 10 सी, प्लस सेकेंड वाले में आपका बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, 10 ए और 10 सी, ये आपको मिल जाएगा। थर्ड वाले में आपका जो है सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 ए और 10 बी, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो देखें 1 अपॉन 10 कॉट होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉट बी कॉट सी, ये हो गया, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा कॉट ए कॉट सी, ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉट ए और कॉट बी, आपको मिलेगा कॉट बी इज इक्व टू 1। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव हो गया है, आप देख पा रहे होंगे आपके पास रिजल्ट आ गया है, यही जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं हैंस्ड प्रूव्ड, प्रूव्ड सॉरी। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, सेम यही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सेम, बस इसमें करना क्या है, उस वाले क्वेश्चन को सिंपल था, इसमें आपको वन वाई मतलब जो ए वाई टू बी वाई टू सी वाई टू ये लगा दिया है, और कुछ नहीं किया है, उस वाले क्वेश्चन में सिंपल था। तो ये फोर टाइप क्वेश्चंस थे, अभी देख लेते हैं ये टू टाइप्स तो हो गया है, थर्ड टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो देखें
सेम वही क्वेश्चन यदि ए बी सी में होते हैं, देखिए ट्राइंगल अगर ए बी सी में है तो स्टेटमेंट होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर 2 से डिवाइड दे दिया दोनों साइड में, तो मैंने क्या किया 2 से जब मैंने डिवाइड दिया तो ए बाई टू हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बी बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा सी बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। तो देखें मैंने क्या किया, ए बाई टू प्लस बी बाई टू मैंने यही रखा है और यहाँ पर कर लिया मैंने 90 माइनस सी बाई टू। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेकिंग टेन बोथ साइड, मैंने क्या किया 10 ले लिया दोनों साइड, तो मैंने जब 10 ले लूँगा तो 10 बोथ साइड, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 10 ले लिया तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 10 ए बाई टू प्लस 10 बी बाई टू, ये आपको वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 10 90 माइनस सी बाई टू। ओके, ये वैल्यू मिल चुकी है। देखें जब 10 90 माइनस सी बाई टू है तो 10 चेंज हो जाएगा किसमें, क्वार्ट में, 90 से माइनस है तो पहले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें यहाँ पर देख लेते हैं, 10 ए बाई टू प्लस 10 बी बाई टू, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 ए बाई टू और 10 बी बाई टू, ये आपका हो गया। यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी कॉट सी वाई टू, क्या आएगी कॉट सी वाई टू, तो मैं इस सी वाई कॉट सी वाई टू को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10 ए बाई टू प्लस 10 बी वाई टू अपॉन 1 माइनस 10 ए वाई टू 10 बी वाई टू, ये था। यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 सी वाई टू। ओके, तो आपको करना ये है कि इसका मल्टीप्लाई तो इसके साथ कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो देखें 10 ए वाई टू और यहाँ पर हो जाएगा 10 सी वाई टू। ओके, ये बात हो गई। प्लस यहाँ पर देखें 10 बी वाई टू और यहाँ पर हो जाएगा 10 सी वाई टू, क्या हो जाएगा सी वाई टू। इक्वल में आपको जो मिलेगा वो ये होगा 1 माइनस 10 ए बाई टू 10 बी बाई टू, ये होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इक्वल में। तो अब आपको करना ये है कि इस वाली वैल्यू को भी इधर ले लेना है और इक्वल के उधर 1 को रख देना है, तो यहाँ पर होगा 10 ए बाई टू 10 सी बाई टू प्लस 10 बी बाई टू और यहाँ पर 10 सी बाई टू, है ना, और प्लस यहाँ पर आएगा 10 ए बाई टू और 10 बी बाई टू, ये हो जाएगा 10 बी वाई टू इक्वल में 1 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो चुका है, देखिए यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो प्रीवियस रिजल्ट को आपको यहाँ पर लिखना होगा, देखिए बाई, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बाई प्रीवियस क्वेश्चन, क्या प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, क्विज मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो बाई प्रीवियस क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है, ये था आपका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने प्रूव किया था प्रीवियस, तो मैं वहाँ से आगे का स्टेप यहाँ पर फॉलो करता हूँ, तो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा डिवाइड बाई क्या था डिवाइड बाई आपका, देख लेते हैं 10 ए बाई टू बी बाई टू और सी बाई टू, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, मैंने भी इसी तरीके से किया था। तो देखें इसका जब मैं इसमें डिवाइड मारूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा सी बाई टू 1 अपॉन सी बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका कॉट सी बाई टू, ठीक है। जब मैं यहाँ से डिवाइड दूंगा, देखें ए और बी कैंसिल आउट हो जाएगा सी बाई टू बचेगा, यहाँ पर देखें बी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको ए बाई टू बचेगा, यहाँ पर प्लस कॉट ए बाई टू बचेगा। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए और बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, देखें ए और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ए और सी कैंसिल आउट था तो बी मिलता है यहाँ पर, सॉरी ये बी आएगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर ए और बी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर आएगा सी बाई टू कॉट सी बाई टू सी बाई टू। ओके, और इक्वल में देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1 अपॉन तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये था आपका प्रूफ जो कर रहा था मैं क्वेश्चन को, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे, ठीक है, एंड प्रूफ। तो ये थे आपके फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे फोर्थ क्वेश्चन लिए थे इस वीडियो में, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, हमारे चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।